بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الکریم. मैं हूँ लियाकत अली और हम इस वक्त सब्जी मंडी इस्लामाबाद में मौजूद है. इंशाल्लाह आपको जल्द ही अपडेट करते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट और कौन कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा आई है और किस हिसाब से बिक रही है. तो चलते हैं टमाटर पहले देखते हैं कि टमाटर का क्या रेट चल रहा है. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या रेट चल रहा है टमाटर का आज? अच्छा, 400 से लेकर 450 रुपए का 5 किलो सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में अच्छे टमाटर दस्तियाब है. ये आप देख रहे हैं लाड़काना के बहुत स्पेशल टमाटर है माशाल्लाह, और ये स्टॉल लगे हैं बड़े बड़े. तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और के बारे में भी देखते हैं. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खरबूजा लगा है. चाची खरबूजे का क्या रेट है आज? खरबूजे का क्या रेट है? 120 रुपये. अच्छा, 120 रुपये का किलो है. ये देख ले आप माशाल्लाह, और ये सब सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है. सफ़ेद खरबूजे के बारे में मालूम ले. अस्सलाम वालेकुम सर, रेट खरबूजे यार? खरबूजे अच्छा 150 रुपये का है. और ये वाला? ये वाला भैया 200 रुपये. अच्छा 200 रुपये किलो. ये महंगा है यार ये वाला. अच्छा मीठा होगा स्पेशल. अच्छा आपने किस तरह लगाए? अच्छा 150 रुपये का, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका. पूछते हैं कि केलों का क्या? चाची केले का क्या रेट चल रहा है आज? 160 रुपये. अच्छा 160 रुपये, 150, 160 रुपये. और केला भी बड़ा प्यारा है ये, इसलिए 10-20 महंगे लगे. आप देख सकते हैं खाने वाला केला है. बाकी स्ट्रीम पर आपने देखा कि केला ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा पड़ा था, लेकिन ये बहुत स्पेशल पड़ा है माशाल्लाह. ये ईरानी सेब के बारे में मालूम लेते. ईरानी सेब किस तरह भाई? 250 रुपये का 5 किलो. 250 रुपये का किलो है. तकरीबन 1000 रुपये का 5 किलो ईरानी सेब दस्तियाब है. और देसी खरबूजा? अच्छा 600 रुपये दड़ी है ये माशाल्लाह. और देखते हैं अमरूद के बारे में मालूम लेते हैं. अमरूद किस तरह? अच्छा अमरूद 150 रुपये का है. देख ले आप ज़बरदस्त. ये कौन सा खरबूजा है इसके बारे में मालूम लेते. क्या रेट चल रहे भैया? 600 रुपये दड़ी है. ये देख ले आप, बहुत ज़बरदस्त है. ये कौन सा खरबूज है? कोई मुख्तलिफ सा है माशाल्लाह. अच्छा हम सब्ज़ी के सेक्शन में आ गए. आप देख रहे हैं भिंडी 100 रुपये किलो है. 500 रुपये का 5 किलो, बहुत ज़बरदस्त भिंडी. आज भिंडियाँ सस्ती हो गई. खीरा जो है 150 रुपये का 5 किलो मिल रहे. शिमला जो है 800-900 रुपये तक आज 5 किलो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में मिल रहा था. खासा महंगा है शिमला. और ये वाला टिंडा जो है ये 500 रुपये का 5 किलो, 100 रुपये किलो. करेला जो है तकरीबन 500 से लेकर 600 रुपये का 5 किलो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है. बीन आज काफ़ी महंगा है, 700 से लेकर 800 रुपये का 5 किलो बीन दस्तियाब है. और आगे बढ़ते हैं कद्दू के बारे में. 300-350 रुपये तक कद्दू सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है. मिर्च जो है 100 रुपये किलो, 500 रुपये के 5 किलो. मटर भी 400 रुपये का 5 किलो है, बहुत स्पेशल मटर. और गोभी जो है 100-150 रुपये का 5 किलो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है. ये आप देख रहे हैं शिमला 100 रुपये किलो है. कहीं 400 से लेकर 500 रुपये का मिल रहा है 5 किलो. और आप देखें माशाल्लाह. अच्छा हर चीज़ सस्ती हो रही है. और ये आप देख रहे हैं कि हम साग के सेक्शन में खड़े हैं. कल ये साग महंगा था, आज तकरीबन 100. आज साग मिल रहे 10-10 रुपए के, 15 रुपए से 20 रुपए तक. आज 5-10 रुपए महंगा है. कल यही साग इधर ढेर पड़ा था, जुम्मे का दिन था, और 5-5 रुपए का बिक रहा था. ये देख ले आप, ये वाला पालक 5-5 रुपए का है. बाकी वो वाला पालक जो लगा है वो 20 रुपए की गड्डी है. धनिया आज 20 रुपए की गड्डी है, कल धनिया 5 रुपए की गड्डी थी. कच्चा प्याज भी आज 20 रुपए की गड्डी है सब्जी मंडी इस्लामाबाद में. कद्दू 350 से लेकर 400 रुपए और 500 रुपए तक भी अच्छा कद्दू मिल रहा है सब्जी मंडी इस्लामाबाद में. ये देखें आप, गाजर 200 से लेकर 300 रुपए का 5 किलो. और मिर्ची तो 500 रुपए का 5 किलो है. और बैंगन जो है 300 रुपए का 5 किलो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है. ये वाला कद्दू 250 रुपए का 5 किलो सब्जी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है, गोल कद्दू. और बैंगन तो है ही 300 रुपए का 5 किलो. तूरियाँ थोड़ी महंगी है. अच्छी तूरी तकरीबन 600-700 रुपये का 5 किलो है, जबकि नॉर्मल 400 रुपये का 5 किलो है. आप देख रहे हैं मटर तो 400 रुपये का 5 किलो है. और भिंडी आज 100 रुपये की किलो है. पुदीना जो है 80 रुपये का दर्जन है, आज महंगा है. और सलाद भी 80 रुपये का दर्जन है. और लाल मूली 100 रुपये का दर्जन आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में सेल हो रहा था. ये आप देखिए सब कुछ सस्ता. रेट
रेट काफ़ी नीचे आ चुका है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, जो चीज़ें महंगी थी अब सस्ती हो गई। तो आप देख रहे हैं जो टेंडा नज़र आ रहे हैं 400 रुपए तक 5 किलो दस्तियाब है, और जो देसी टेंडा है जो ख़त्म हो गया मार्केट में बिल्कुल कच्चा, वो तकरीबन 700 रुपए तक 5 किलो मिल रहा है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। इस वक्त आप देख रहे हैं सब्ज़ी के सेक्शन में हम खड़े हैं, कुछ सब्ज़ियों के बारे में आपको मालूम हो गई, आलू और प्याज के बारे में मालूम लेते हैं, और लीमू जो है आज देसी लीमू 4000 रुपये का 5 किलो दस्तियाब था, जबकि दूसरा वाला 2000 रुपये का 5 किलो था। माशाल्लाह ये प्याज जो है पुलखारा प्याज गोल, बड़ा बड़ा प्याज तो नहीं आ रहा, बड़ा चांटी करके निकालना पड़ता है। हनीफ भाई प्याज का क्या रेट चल रहा है आज? अच्छा प्याज 300 रुपये का 5 किलो दस्तियाब है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, और प्याज की बोली 10 बजे होगी इंशाल्लाह, फिर उसको आपको अपडेट भी करेंगे कि क्या रेट चल रहा है। अच्छा आलू के बारे में बताएं ज़रा। अच्छा आलू 1200-1300 रुपये मन है, और तकरीबन 150-160 रुपये किलो है आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में आलू भी। आप देख रहे हैं कि आज हफ्ते का दिन है और गाग खासा कम था, जिसकी वजह से रेट डाउन चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा ये चना लहसुन है तकरीबन आज भी 1600-1700 रुपये का 5 किलो दस्तियाब है, कई दिन हो गए ये महंगा है, और देसी लीमू तकरीबन 3500-4000 रुपये का 5 किलो सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में सेल हो रहा है। ये वाला लहसुन पाकिस्तानी है और कच्चा लहसुन, इसका क्या रेट है आज? अच्छा 600-700-800 रुपये का 5 किलो दस्तियाब है। अदरक कल की तरह आज भी 900 रुपये का 5 किलो सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है। तो इंशाल्लाह जितनी आपको ख़बर दी तो बस यही सब्ज़ियाँ सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में दस्तियाब है और यही रेट चल रहे हैं। हर सब्ज़ी सस्ती है सिवाय बीन के और शिमला के, शिमला आज 600-700 है, बीन भी यही रेट में चल रहे हैं, बाकी सारी सब्ज़ियाँ 30 रुपये किलो, 40 रुपये से लेकर 50-60 रुपये का किलो अच्छी सब्ज़ियाँ दस्तियाब है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया।